आज हम बनाएंगे अनियन डोसा, वो भी दो तरीके से, एक बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और दूसरा बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलिए जानते हैं डोसा बनाने के सारे टिप्स। तो यहाँ पे एक बर्तन ले लें डोसा बनाने से पहले, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और एक कपड़ा रखें। बहुत ही ज़रूरी है, तो आप जब भी डोसा बना रहे हों तो एक बर्तन में पानी और उसमें एक सूती कपड़ा ज़रूर से रखे रहें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अनियन डोसा बनाना है तो एक बर्तन लिया है और मैंने यहाँ पे अनियन को छोटे छोटे यानी प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है। अभी डोसा बैटर में ले चुकी हूँ। डोसा बैटर की रेसिपी की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से डोसा बैटर कैसे बनाना है चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने नमक डाला है स्वाद अनुसार और कटा हुआ जो प्याज है ये डाल दी हूँ। अभी यहाँ ये पहला प्रोसेस है जिससे आप सॉफ्ट डोसा बनाना अगर चाहते हैं, मुलायम डोसा, तो इस तरह से आप उसे बना सकते हैं। तो पहले आप बैटर ले लें एक बर्तन में यानी डोसा का बैटर, फिर जो कटे हुए प्याज थे उसको डालें, नमक डालें और अच्छे से मिला लें। फिर तवा यहाँ पे लेना है और उसके ऊपर मैं जैसे आपको बता रही हूँ वैसे इसको हर तरफ से मिला लेना है, जैसे फैलाना है बैटर को, और गैस का फ्लेम हाई फ्लेम पे रखना है, मीडियम पे ना रखें, लो और मीडियम पे नहीं रखना है। अभी इसके ऊपर मैं घी डालूंगी, घी या तेल आपको जो अच्छा लगे। डोसा अगर अनियन डोसा बना रहे हैं तो घी रोस्ट बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये आप ज़रूर से बनाएं। और ये मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ ये पहला प्रोसेस है और ये सॉफ्ट डोसा बनाने का प्रोसेस है, तो आप इसे अब इंतज़ार करें इसे कलर चेंज होने के लिए। तो गोल्डन कलर आप देख रहे हैं ऊपर से दिख रहा है, तो आप इसे सावधानी से दूसरे साइड भी पलट लें। आप देख सकते हैं कितना सुनहरा कलर आ गया है एक साइड से, यानी आपका डोसा एक साइड से बहुत अच्छे से पक गया है। अभी दूसरे साइड भी इसे अच्छी तरह से पका लेना है। और अभी याद रहे, अभी जो आप गैस का फ्लेम है आँच है उसे कम कर देना है, यानी मीडियम या स्लो फ्लेम पे इसे अभी पकाना था। बस आप इसे रोल कर लें और आपका डोसा बनकर तैयार हो गया है, सॉफ्ट डोसा। अभी दूसरे स्टेप पे चलते हैं। तो अभी तवा बहुत गर्म है, तो भी जानते हैं ये जो पानी लिया था उसको छिड़क दे डोसा के तवे पे और कपड़े से डोसा को तवे को ठंडा कर ले पहले पोंछ के, उसके बाद आप बैटर लें और जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे रोल करके इसे फैला लें। इसके ऊपर से आप तेल या घी डाल दें। अभी इसके ऊपर से आप अनियन छिड़क दें। ये डोसा बहुत क्रिस्पी बनकर आता है, ये क्रिस्पी वाला प्रोसेस है। नमक और प्याज ऊपर से कटे हुए जो प्याज है उसको छिड़क देना है और इसका भी अभी वेट करूँगी मैं डोसा को अच्छी तरह से पकने के लिए। यानी पता कैसे चलेगा, तो आपका डोसा का एक साइड का जो कलर है वो ऊपर से गोल्डन दिखने लगेगा। अभी गैस का फ्लेम हाई पे रखना है और अगर ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा घी, घी में ही डोसा को बनाएं ये वाले। आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो गया है, एक साइड से पूरे पक गया है, तो इसे सावधानी से दूसरी साइड पलट लें। डोसा बिल्कुल नहीं चिपकेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, तो दूसरे साइड से भी बन गया। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है, ये टूट रहा है पलटने पर भी, ये क्रिस्पीनेस कितना है आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपके दोनों डोसा बनकर तैयार हो गए हैं, गर्मा गर्म सर्व करें। डोसा बैटर कैसे बनाना है इसकी रेसिपी जानने के लिए, जिसमें मैं कोई भी सोडा का प्रयोग नहीं करूंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से कैसे बना सकते हैं आप अपने घर में, तो उसकी कंप्लीट रेसिपी जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूं और एंड स्क्रीन पे भी आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं।